नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पंजाब सरकार और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच खिंचातान जारी है, लेकिन पंजाब सरकार के समक्ष अब गवर्नर की मंजूरी की अनिवार्यता आड़े है। दरअसल पंजाब सरकार ने गवर्नर बीएल पुरोहित को सेशन में पारित दो बिल, गुरुद्वारा और पुलिस बिल पास करने को भेजा है। सीएम भगवंत मान और गवर्नर बीएल पुरोहित के बीच हर मुद्दे पर हो रही खिंचातान के बीच इन बिलों को मंजूर किए जाने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारा संशोधन बिल पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी आपत्ति जताई गई है। एसजीपीसी का प्रतिनिधि मंडल प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में बिल पास नहीं करने के संदर्भ में पंजाब गवर्नर से मुलाकात कर चुका है। ऐसे में एएपी की मान सरकार के समक्ष विधानसभा में पारित किए दोनों बिल पास कराना चुनौती बन सकता है। पंजाब सरकार द्वारा दो दिवसीय 19 से 20 जून को बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान चार बिल पारित किए गए। इनमें पहला गुरुद्वारा बिल की गुरबाणी का प्रसारण सभी चैनलों के लिए निःशुल्क रहेगा, दूसरा डीजीपी की नियुक्ति के लिए पंजाब पुलिस बिल, तीसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति और चौथा सीएम को यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त करने का हक शामिल है। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा गवर्नर को फिलहाल गुरुद्वारा संशोधन बिल और पंजाब पुलिस संशोधन बिल पास कराने को भेजे गए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।